तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइज आप लोग प्रभात गेमर को तो जानते ही होंगे, बट अभी के टाइम पर प्रभात गेमर के चैनल पर आ चुकी है स्ट्राइक, एंड ये वही प्रभात गेमर है जो एक टाइम पर हम सबके लिए पूरे फ्री फायर से लड़ा था, वो भी अकेला। एंड अभी के टाइम पर प्रभात गेमर को आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप लोग प्रभात गेमर को सपोर्ट करो और कैसे भी करके प्रभात गेमर की स्ट्राइक हटवा दो। अब देखो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ऐसा तो कुछ चमन चूतिया यूट्यूबरों का कहना है जो कि अभी के टाइम पर प्रभात गेमर की चाटने का काम कर रहे हैं। अब देखो ये सभी भोंसड़ी वाले यूट्यूबर अपने कंटेंट के लिए प्रभात गेमर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन सभी भोंसड़ी वाले यूट्यूबरों में से अभी तक आप सबको किसी ने नहीं बताया होगा कि आखिर इसमें रियलिटी क्या है। लेकिन इसकी पूरी रियलिटी जानने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो ये बात तो बिल्कुल सच है कि प्रभात गेमर के चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है, और इसी के चलते प्रभात गेमर ने अपने चैनल पर वीडियो भी बनाया था। पहले आप लोग उसकी छोटी सी क्लिप को देखो। आ चुका है यूट्यूब को क्विट करने का, क्योंकि जो किस्मत में नहीं वो किसी को नहीं मिलता। कितनी भी मेहनत करके उसे हासिल क्यों ना कर लो, आखिर वो चला ही जाता है। किस्मत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन इतनी बुरी मेरे दुश्मनों की भी ना हो। पहले तो 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हो गया, और अब इस चैनल को भी डिलीट करवाने के लिए कुछ लोग फेक स्ट्राइक मारने पे लगे हैं। एंड ये बात देखो, इसी वीडियो क्लिप के चलते कुछ भिखमंगे और भिंडी रोना करने वाले यूट्यूबर इसे सपोर्ट करने पर लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी भोंसड़ी वाला ये नहीं बता रहा है कि इसकी सच्चाई क्या है और इसे सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और गाइस तुम्हें पता है इस प्रभात गेमर को सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर कौन कौन से हैं? सेमी एफएफ, डीसी जोड, बीएलसी रेम्बो, फायर रोस्ट, और भी 2-3 यूट्यूबर हैं जो इस प्रभात गेमर को सपोर्ट करने पर लगे हुए हैं। लेकिन मेरे से पूछो तो मैं इस प्रभात गेमर को घंटा भी सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस प्रभात गेमर ने शुरू से आखिरी तक ऑडियंस को चूतिया ही बनाया है। और जो यूट्यूबर बोल रहे हैं कि यह प्रभात गेमर एक टाइम पर हम सबके लिए पूरे फ्री फायर से लड़ा था, तो उनके जानकारी के लिए बता दूं कि यह कोई फ्री फायर से नहीं लड़ा था, ये तो बस पिकाचू ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहा था, वो भी गोल्डन डेज के नाम पर। और ये बंदा खुद फ्री फायर को इंडिया से खत्म करना चाहता था, इसलिए ये बंदा फ्री फायर की रेटिंग कम करवाने पे लगा हुआ था। लेकिन फ्री फायर वालों ने तब इसकी गांड पे जम के तमाचा लगाया था और इसके चैनल पर स्ट्राइक मार दी थी। और जो भी यूट्यूबर बोल रहा है ना कि ये प्रभात गेमर छोटे क्रिएटरों को सपोर्ट करता था, अजी लंड मेरा सपोर्ट करता था, बल्कि ये तो ऑडियंस को सपोर्ट करने के नाम पर उन्हें चूतिया ही बनाता आ रहा है, क्योंकि ये साला अपनी सारी वीडियो में ऑडियंस को चूतिया बनाता है और झूठ बोलकर फेक एप्लीकेशन का प्रमोशन करता है। अब देखो इसके चैनल पर स्ट्राइक तो आई है, इसलिए ये अभी के टाइम पर यूट्यूब पर ज्ञान फैल रहा है कि गाइज अगर किसी की मेहनत पर पानी फिरता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और जब ठीक 6 महीने पहले इसने यही खेल टेक प्रो हर्ष के साथ खेला था, मतलब कि इसने बिना किसी रीजन के ही टेक प्रो हर्ष को स्ट्राइक मारी थी, वो भी फेक स्ट्राइक थी, और तब फ्री फायर का कोई भी क्रिएटर टेक प्रो हर्ष को सपोर्ट नहीं कर रहा था, और तब सभी यूट्यूबर और बंदे मिलकर टेक प्रो हर्ष का चैनल डिलीट करवाना चाहते थे। लेकिन भगवान की कृपा से टेक प्रो हर्ष का चैनल बच गया था। और हाल ही में प्रभात गेमर ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो के अंदर प्रभात गेमर एक बंदे के ऊपर फेक एलिगेशन लगा रहा है। पहले आप लोग उस वीडियो को देखो। बाकी 90 डेज में तो स्ट्राइक एक्सपायर हो ही जाती है, लेकिन इतना हमसे इंतजार नहीं होगा, इसलिए मैं उस बंदे को वार्निंग दे रहा हूँ, 7 दिन के अंदर चैनल से स्ट्राइक हट जाए, वरना तैयार रहना भाई, लीगल एक्शन जब होगा ना तो ये व्हाट्सएप और इंस्टा पे जो सिग्मा वाली स्टोरी लगाता है ना भाई, सब बाहर आ जाएगा भाई, सारी हवाबाजी उतर जाएगी। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ, वो फेक स्ट्राइक मारने वाला बंदा इतना हरामखोर है ना, पहले तो उसने मेरे ऊपर फेक एलिगेशन लगाए, केस वगैरह किया, जो कि नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, जैसा वो बंदा वीडियो में भोकने पे लगा था। अब देखो प्रभात गेमर की इस वीडियो का मेन पर्पस था टेक प्रो हर्ष को वार्निंग देना, क्योंकि प्रभात गेमर को लगता है कि उसको स्ट्राइक टेक प्रो हर्ष ने दिया है, लेकिन ये थोड़ा भी सच नहीं है, क्योंकि टेक प्रो हर्ष ने किसी को भी स्ट्राइक नहीं दिया है। और गाइज मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि प्रभात गेमर या किसी का भी चैनल डिलीट हो, बस जो बंदे प्रभात गेमर को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तब कहाँ मर गए थे जब इस प्रभात गेमर ने टेक प्रो हर्ष को फेक स्ट्राइक मारी थी। अब देखो ये प्रभात गेमर टेक प्रो हर्ष को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, वरना तुम मेरे चैनल से स्ट्राइक हटा दो। इसलिए टेक प्रो हर्ष ने इसे अपने वीडियो के अंदर रिप्लाई देते हुए कुछ ये कहा। प्रभात भाई को किसी ने मारी है फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, और उन्होंने मेरे को वार्निंग दी है कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर केस करने वाला हूँ, लीगल एक्शन लेने वाला हूँ, लीगल एक्शन। अरे भाई वो कोर्ट है, वो पुलिस है, तुम्हारे मौसा का घर नहीं है कि तुम छोटी छोटी बात को लेकर के कोर्ट पहुंच जाओगे, ले भाई केस कर दिया, ले भाई लीगल एक्शन ले लिया। अरे हलवा है क्या? देखो 6 महीने पहले इन लोगों ने जैसा मेरे साथ किया था वैसा ही इनके साथ हो रहा है।
वैसे स्ट्राइक स्ट्राइक का सीन बहुत गलत होता है, गलत चीजें हैं ये, बट जब 6 महीने पहले पूरी कम्युनिटी ने एक तरफ होकर के मेरे साथ खेला था तब ये चीजें गलत नहीं थी क्या? और जो लोग कमेंट कर रहे हैं भाई इंसानियत के नाते हटा लो, मेहनत है किसी की, तो भाई मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जब मेरे को स्ट्राइक पड़ी थी तब कहां थी तुम्हारी इंसानियत, तब कहां थी तुम्हारी मेहनत, तब कहां थे तुम लोग? जब मैंने उन्हीं लोगों के साथ स्ट्राइक का गेम खेलना शुरू किया है तब तो बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे भाई तब क्यों नहीं तकलीफ हो रही थी जब मेरे को पड़ी थी? तब एक बंदे की स्ट्राइक हटाने के लिए तो कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी कॉल आया कि हर्ष भाई स्ट्राइक हटा लो, जैसे टोंडे गेमर, टोंडे भाई ने मेरे को कॉल किया था हर्ष भाई स्ट्राइक हटा लो, ऐसा नहीं है वैसा। देखो पहली बात मैंने स्ट्राइक मारी नहीं है किसी को भी, तो मैं स्ट्राइक हटा नहीं सकता हूँ। दूसरी बात कि मेरा नाम मत लो, मेरा नाम लेने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, स्ट्राइक नहीं हट जाएगी मेरा नाम लेने से। और बात रही लीगल एक्शन की, तो मैं तुमको खुला चैलेंज देता हूँ, अगर तुम सब के सब एक बाप की औलाद, लीगल एक्शन, एक लीगल नोटिस, एक कोर्ट से कुछ भी तुम मेरे ऊपर एक ऐसा तिनका भी उठा के दिखा दो लीगल के नाम पे, मैं अभी अभी सारे जगह डिलीट करके चला जाऊंगा। भाई एक बाप की अगर औलाद हो ना, अगर तुम अपने बाप की सच्ची औलाद हो, कोई भी चलो खुला चैलेंज दे, तुम कह रहे हो ना लीगल एक्शन लूंगा, ये करूंगा, सबको खुला चैलेंज दे रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप सबको प्रभात गेमर की रियलिटी और उसके चैनल पर स्ट्राइक आने की रियलिटी का पता चल गया होगा, और आप सबको ये भी पता चल गया होगा कि प्रभात गेमर को टेक प्रो हर्ष ने स्ट्राइक नहीं मारी है।